हाय गाइस, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ एक घरेलू टिप। अगर आपकी फ्लश की सिस्टम टैंक का ये नॉब अगर टूट जाए, ये वाला, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये मार्केट में अलग से मिल जाता है, लेकिन आप जब भी इसको लगाएं तो लगाने समय ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसको लगाने वक्त ही सारा इसका ट्रिक है। इसको एकदम सीधा रखें और ये हिस्से को थोड़ा सा सैंड पेपर से सैंडिंग कर लें, थोड़ा सा चिकना कर लें, और इसको जब भी ऐसे आप लगाएं तो ये जो स्टिक है, ये स्टिक की पोजीशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इसमें इसको लगाएंगे तो इसको लगाएंगे तो ये जो आपका पंप है, जो ये ऊपर नीचे जाता है, ये पूरा नीचे होना चाहिए। ये ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं होगा, अगर बीच में होगा, आप ये स्टिक लगा देंगे तो आपका ये नॉब जो है, ये वाला जो नॉब है, ये वाला, ये बीच में, ये जब फ्लश नीचे कीजिएगा तो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर वापस उठ के नहीं आएगा। तो इससे पानी आपका नीचे टैंक में ड्रेन होते रहेगा। तो इसको इस तरह से लगाएं, ये पोजीशन पूरा नीचे होना चाहिए। और इसको आप लगाते समय ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे इस तरह का नॉब हो, और इस तरह से आपको इसमें बैठा देना है नीचे की तरफ। ये पूरा नीचे बैठा हुआ होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पे इसको फंसाने के बाद अच्छे से आपको इस तरह का प्लास्टिक का एक बोल्ट मिलेगा, उसको लगा देना है और इसको फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद इसको अच्छे से फुल टाइट कर देना है। और फुल टाइट करने के बाद एक टिप और बता देता हूँ। ये जब फ्लश टैंक है, कभी भी जैसे ये पुराना हो जाने पे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह का ये माउंट मिलता है प्लास्टिक का, 2 पीस, 10 रुपए का ये 2 पीस माउंट आता है। ये टूट जाता है पुराने पे, ये टूट जाता है या इसके अंदर एक स्क्रू लगता है, पानी में रहते रहते वो स्क्रू जंग लग जाता है। तो आप जब भी दीवार में होल करके ये माउंट लगवाएं तो कृपया करके ऐसे प्लम्बर से ना लगवाएं जो पुराने जमाने के हों, जो सुम्मा से छेद करते हों दीवार में और लकड़ी का गुच्छा उसमें देखते हों, क्योंकि सुम्मे से छेद करने से छेद बड़ा हो जाता है। हमेशा ये माउंट हिलते रहेगा, आपका आजीवन हिलेगा और परेशानी आएगी। इसलिए ड्रिल मशीन का यूज करें और इसमें जब भी छेद करें एक स्टेनलेस स्टील का चौड़ा हेड वाला स्क्रू डालें, क्योंकि पुराने होने पे ये जो स्क्रू होता है पानी से गल जाएगा। अगर ये लोहा वाला आप डालिएगा, फिर आप 5 साल बाद अगर इसकी सफाई करने के लिए सिस्टम को खोलिएगा तो ये आपसे, स्क्रू ड्राइवर से नहीं आपसे खोलेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा ये पूरा माउंट, या इसका जो स्क्रू होता है ये सड़ जाता है पानी में, गल के खराब हो जाता है। तो अंदर जब आप इसको माउंट को निकालिएगा तो दीवार के अंदर ही स्क्रू टूट के फंसा रह जाएगा, जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें चौड़ा माथा वाला ही स्क्रू को कसें दीवार में। पीवीसी गुल्ली का यूज बिल्कुल करें, वैसे प्लम्बर से काम ना करें जो पुराना जमाना का सुम्मा से छेद करते हों और गुच्छा लगा के सेट करते हों। और ये जब भी सिस्टर लगवाएं आप एक स्पिरिट लेवल यहाँ रख लें कि ये बीच में पूरा आना चाहिए। अगर एक तरफ से झुका रहेगा, एक तरफ से इधर से साइड से झुका रहेगा, तब भी आपका ये जो पानी है, यहाँ पे देखिए एक नॉब बना हुआ है, इसके अंदर जाली आती है हवा आने के लिए। अगर ये टेढ़ा लग जाएगा तो ये बैलून
ओवरफ्लो करके यहाँ से पानी गिरेगा, और ये ओवरफ्लो करने की जो समस्या है ये आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ये जो नॉब आप देख रहे हैं लंबा सा जिसमें स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू वाला जो नॉब लगा हुआ है इसको आप एडजस्ट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बलून की हाइट एडजस्ट होती है, और यही एडजस्टमेंट बिगाड़ देने के वजह से पानी जब यहाँ से इस कॉक टैप से आता है यहाँ पर, तो कभी कभी ज़्यादा भर जाने के कारण ये हमेशा ओवरफ्लो करते रहेगा। तो आप देखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो स्क्रू है इसकी सेटिंग किसी ने खराब कर तो नहीं कर दी, या ये ढीला वगैरह तो नहीं हो गया, तो आप इसे खुद से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो पानी गिरने वाली जो ब्लू कलर की पाइप है, ये वाली जो ब्लू कलर की पाइप है, ये ऑटो कट लगी हुई इसमें रहती है इस बलून से, तो ये बंद हो जाएगी। ये आपको मैंने एक, दो और ये तीन टिप मैंने आज आपको बता दी। ये वॉल वाली माउंट को भी लगाने से पहले ध्यान रखें, इस तरह की माउंट मार्केट में मिल जाती है, इस तरह की 10 रुपए का ये प्लास्टिक का माउंट आता है, हर जगह नहीं मिलेगा लेकिन हार्डवेयर स्टोर वगैरह पे ये मिल जाता है। कोशिश करें कभी भी इसको खोलने समय ध्यान से खोलें, क्योंकि ये माउंट वगैरह छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये नॉब तोड़ देने पर ये सब मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है, मिलती है तो बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, खोजना पड़ता है इसे, और मिल जाए तो इसको कैसे सेट करना है, ये पूरा नीचे रहेगा उसी तरह से सेट करें तो आपका सही हो जाएगा।